यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है नौजवान पीढ़ी स्टूडेंट्स जिनको नोटिस भी दिया गया है। किस वजह से नोटिस दिया है, कब दिया है नोटिस और किस कारण, क्या है ये कारण और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलिए हम मिलते हैं स्टूडेंट से और उनसे पूछ लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उनके इस समस्या को लेकर क्या कहना है और किस पीड़ा से गुजर रहे हैं वो लोग, वो भी पूछ लेंगे। नमस्कार, आप कहाँ से हो? मेरा नाम शुभम राठी है, मैं मुरादाबाद जिले से हूँ। आप कहाँ से हो? मेरा नाम हर्षित धारीवाल है, मैं अमरोहा जिले से हूँ। आप? चंचल सिंह अमरोहा। गौरव चाल अमरोहा। आप? अमन चाल अमरोहा। सचिन चाल अमरोहा। अमरोहा, सारे अमरोहा। मुरादाबाद, हाँ, जो एक ही जिला, मंडल एक ही है। जी, मंडल एक ही है। तो आप लोग क्या करते हो सारे जन? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का। ओहो, प्रदेश अध्यक्ष स्टूडेंट यूनियन, वेरी गुड। तो स्टूडेंट और किसान आंदोलन क्या मैच हो रहा है? मैच ये हो रहा है कि मुरादाबाद जो मंडल है उसमें 5 जिले हैं, इसमें एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, 4-4 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और जो किसान के बच्चे हैं उनके पास 1.5 लाख रुपये देकर इंजीनियरिंग करना और 1 करोड़ रुपये देकर मेडिकल करना उनके बस की नहीं है, इसलिए उनको सरकारी यूनिवर्सिटी चाहिए। और अभी लॉकडाउन के पीरियड में हमारे गन्ने की फसल का पेमेंट नहीं आया, हमारी भाई बंधुओं की नौकरियां गईं, उसके बाद हमसे स्कूल में हमारे छोटे बच्चों भाई बंधुओं की फीस मांगी गई, तो स्टूडेंट और किसान का तो हमेशा। सरकार ने तो कहा फीस माफ है। किसने माफ की? सरकार ने। तो ये नोटिस जो पहुंचे हैं बच्चों के पास, लगातार 6-6 महीने की फीस एक साथ ली गई, ये किससे ली गई है? फिर बड़ा सवाल तो ये भी है ना, फिर दी किसने? जो मैंने अपने भाई भतीजों की, अपने रिश्तेदारियों की जो मैंने की है जमा, वो किसकी की है? फिर प्राइवेट स्कूलों ने पूरी मनमानी चलाई है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल? बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी स्कूल की फीस कितनी है? हम तो चाहते हैं ना सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए, प्राइवेट स्कूल क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों की मटियम लेट कर दी है, उसको और ध्यान ही नहीं दिया जा रहा बड़े अधिकारियों। अच्छा, मतलब के बच्चे सरकारी स्कूल डेवलप उतना हुआ नहीं है। जी जी, अब अधिकारियों के बच्चे बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो इस प्राइवेटों की तो सरकारियों की तो मट्टी कटेगी। अगर उनके बच्चे सरकारी में पढ़ रहे होते, सरकारी अधिकारी के, तो ज़रूर उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी रही होती। तो क्या कर रहे हैं? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसानों के बच्चे हैं, स्टूडेंट कोई अलग से बिरादरी नहीं आती भाई, किसानों के बच्चे पढ़ेंगे वो स्टूडेंट ही कहलाएंगे, लेकिन है तो किसान ना, हमारी जो जीविका चल रही है वो चल तो किसानी से रही है ना। मतलब मेरे घर फैमिली लोग कैसे? भाई मेरी खेती है, मेरा नाम भी है खेती में, तो मैं किसान भी और स्टूडेंट भी हूँ, क्या दिक्कत है उसमें? तो आप पढ़ते क्या हो? मेरा LLB चल रहा है। ओ, लॉ। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर आंदोलन के लिए सपोर्ट पूरा पहले दिन से है, 27 नवंबर से है। जी, लगातार है, एक भी दिन के लिए ऐसा नहीं हुआ है कि मिस हुआ है। 26 तारीख में भी यहाँ थे जिसका नोटिस आया है, 27 तारीख पूछने वाली थी आपसे किस बात का नोटिस। मैं यहाँ वॉलंटियर बना हुआ था, जो हमारे रूट तय किया गया था उसके लिए वॉलंटियर, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे। तो अब वॉलंटियर बनने पर दिया है या हमारा जो मुरादाबाद ज़िले में और नेता बैठे हैं जिनको लगता है कि ये ज़्यादा एक्टिव है किसान आंदोलन में इसलिए दिया है, या मैं यूनिवर्सिटी की डिमांड उठाता हूँ तो हो सकता है वहाँ पर लोकल नेताओं ने दिलाया, क्या है मुझे भी नहीं पता। अब बुलाया था, 8 तारीख को नोटिस जारी हुआ, 12 तारीख को बुलाया था, नोटिस पहुँचा 21 तारीख में, जिससे अगली तैयारी कर लेगी, सम्मन भेज दें कि आप हमने बुलाया आप पहुँचे नहीं। इनकी तरीका है ना कि भाई नोटिस 8 तारीख को जारी हुआ, 12 को पहुँचना था, लेकिन नोटिस 21 तारीख को आया है, तो कहाँ पहुँचेगा व्यक्ति? इनकी तैयारी है। 8 तारीख को नोटिस जारी किया, जी, 12 तारीख को बुलाया था 21 में नोटिस पहुंचा, 21 में आपको नोटिस, मतलब डेट, दोनों डेट निकल गई निकल गई थी। अच्छा। निकल क्या गई, मतलब 12 से आप लगा लो 21, मतलब पूरा 9 दिन बाद आपको नोटिस मिला है, तो मतलब जो डेट को आपको बुलाया गया वो तो खत्म हो गई। तो आगे उन लोग ने कुछ नोटिस भेजा है? अभी तो नहीं आया है। हाँ। भेजेंगे, ये उम्मीद है पूरी, क्योंकि वो दिखाएंगे कि आप लोग उपस्थित नहीं हुए अपने बात रखने के लिए, वो ये दिखाना चाहेंगे कि आप लोग चोर हो या मुलजिम हो, अगर हम नहीं हम तो जाते, लेकिन जब बुलाया है और आपकी डेट निकल गई तो जाएं किससे मिलने। तो फिर ये किस वजह से लोग, उसमें क्या लिखा है? इन्होंने लिखा था कि आप 26 तारीख को जो, मतलब इनका कहना है कि जो हिंसा हुई थी, IIT पर बवाल हुआ था, आप उसमें थे, आप इसकी आगे सफाई दो, ये मतलब इनके पास कोई एविडेंस नहीं, हम थे या नहीं थे, बिना इन्होंने एविडेंस दिए, बिना उसके बस नाम उठाया, ब्लाइंड गेम खेल दिया, कि जिससे इनका मोटिव ये नहीं है कि यहाँ पर मुकदमा लगाना है, इनका मोटिव है कि इन मुकदमों के डर से इन लोगों को घर बिठाना है। अगर मेरे पर मुकदमा लगाए मैं घर बैठूंगा, मुझको देख के 10 लोग और बैठ जाएंगे, ये लोग ये चाहते हैं। मतलब अगर ये डर पैदा कर, 10,000 नोटिस भेजेंगे तो हो सकता है 20-25,000 लोग बैठ जाएं, एक डर पैदा कर रहे हैं स्टूडेंट्स के। ये 10,000 को भेज रहे हैं, यहाँ पर 1 लाख लोग आ रहे हैं, ये अब मेरे पे लगाया है और स्टूडेंट्स आएंगे, और 2-3 स्टूडेंट्स को भेजेंगे तो और ज़्यादा आएंगे। बहुत सारे लोग तो नाराज़ हो रहे थे कि तुम अकेले पे क्यों आए, हमको भी चाहिए, मतलब कि उनको पता है ये झूठे हैं, हमारे खिलाफ़ कोई सबूत नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं, अपनी फसल बचाना, अपनी नस्ल बचाना, अगर आतंकवादी है या इनको लगता है कि हमारा उपद्रव है तो ये कहते रहें। अच्छा, एक बात,
लेट भी मिला तो भी आप जाके हाजिरी कुछ मारे? नहीं नहीं, हमने अपने अपने जो एडवोकेट है उनको दिया है, वो बताएंगे हमें कब जाना है, हम सीधे क्यों जाएं? ये कल को कोई और एलिगेशन लगाने लगे भाई, हमारा हमने अपना वकील पक्ष रखा है, मैं खुद भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, हमने वकील पक्ष रखा है, वो अपने हिसाब से उस नोटिस का जवाब देंगे, क्योंकि हम भी उनसे पूछेंगे ना कि ये नोटिस इतने दिन क्यों लेट पहुँचा, किसकी वजह रही, इसका क्या रीज़न था, वो भी तो बताएं, इसका जवाब दें कि आप 4 दिन का तो बीच में टाइम दिया और 21 तारीख को पहुंच रहा है, 8 से लगाओ ना आप, तो नोटिस तो 8 को जारी हुआ, 8 से आप 21 दिन लगा रहे हो तो 12 दिन। अच्छा एक बात पूछनी है, आपने सुना होगा कपिल मिश्रा जो बीजेपी का नेता है, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है ये कहकर कि जिस तरह शाहीन बाग को पुलिस को साथ में लेकर उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया है, उसी तरह से किसान आंदोलन को भी ख़त्म कर देंगे। तो ये लोग कहते हैं ना फर्जी स्टार, इनको स्टारडम चाहिए केवल मीडिया के सामने, ठीक है, इनका और कुछ नहीं है इनके पास, ठीक है। शाहीन बाग एक अलग मैटर था, ये किसान आंदोलन है, ठीक है, वही स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए इनके अलावा भी और दो तीन स्टार बनने आए थे, 600-700 गुंडों को लेकर उनको स्टार बना दिया, वो दिन दूसरा था। देखो मैं आप सोचो मीडिया के सामने, मैं गलत नहीं कहना चाहूँगा, ऐसा ना हो कि इनको कोई और बड़ा स्टार बना दे, कोशिश करके देखें, एक बार ट्राई करके देखें, हम किसी ने मना तो किया नहीं, एक बार ट्राई कर चुके हैं, नहीं अब ये ट्राई करके देखें। क्या ट्राई किया? यहाँ पे गुंडों को लेके 600-700 गुंडों को लेके आ चुके हैं और 2 घंटे के भीतर उन्हें जवाब मिल गया था, यहाँ पे 28 तारीख को जो 2 घंटे में जवाब मिल गया। अब ये जो कपिल मिश्रा, इनको केवल फर्जी स्टारडम चाहिए कि मैं कुछ गलत बयान दूंगा, वहाँ से कुछ भड़काऊ बयान है, हम तो उनका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं, आप आओ तो पुलिस बल को लेकर आओ, कम से कम हमें पता तो चलेगा कि ये संविधान को तोड़ रहे हैं, कि पुलिस जो है वो केवल इस देश की या इस संविधान के हिसाब से नहीं, एक पर्सनल राजनीतिक पार्टी की नौकर नहीं है, वो एक संविधान के अंतर्गत कार्य करती है और इस भारत सरकार के लिए कार्य, मतलब देश के लिए कार्य करती है, ना कि किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आप इस पुलिस इनकी एम्प्लॉय है। लेकिन आप तो LLB कर रहे हो राइट, लेकिन मुझे एक बात बताना पूछना है इसमें, आप वो तो सरकार जॉब नहीं है तो आप खुद का करेंगे या कैसे करेंगे उसका ऊपर है, और इस आंदोलन को लेकर आप स्टूडेंट यूनियन में हो, स्टूडेंट यूनियन किस तरह से पेश करेंगे आप स्टूडेंट्स को, आम जनता को? यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की बात की जा रही है वो किसानों के बच्चों के लिए की जा रही है, चाहे वो प्राइमरी से 12वीं तक है उनके लिए शिक्षा स्तर सुधारने के लिए, चाहे 12वीं के बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए हैं, हम उनके लिए लड़ रहे हैं कि जिनको बहुत अच्छे पढ़ने में इनको शिक्षा का अभाव है, जिनको अच्छे जो अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं लेकिन उनको मुहैया नहीं हो पा रही है, मतलब क्योंकि जब सीटें कम हैं उनको क्राइटेरिया नहीं मिल पा रहा, प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि 1 करोड़ रुपये में सीट खरीदी जा रही है, इंजीनियरिंग वो लोग कर पा रहे हैं जिनके पास 1.5-2 लाख रुपये, बहुत अच्छे स्टूडेंट है जो केवल मैं मानता हूँ UPTU का फॉर्म नहीं भर सकते लेकिन वो पढ़ने में अच्छे हैं, उन लोगों की और सरकार ध्यान नहीं दे रही, बहुत सारे को कमी ये रह गई कि गाइडेंस की कमी रह गई, हमने अपनी जब ज्ञापन दिया तो हमने मांग उठाई थी गाइडेंस सेंटर खोलने चाहिए प्रत्येक ज़िले में, कि कम से कम युवा को पता तो चले कि मुझे 12वीं के बाद करना क्या है, मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, किस स्ट्रीम को लेना चाहता हूँ, इस ओर मतलब सरकार चिकित्सा और शिक्षा की। आप तो किसान हो एक तरफ और आप लॉ भी कर रहे हो राइट, लेकिन जो किसान है खेती है आपका, वो आप कैसे मैनेज करोगे जब आप लॉ करोगे तो किस तरह से मैनेज होगा? नहीं तो लॉ पूरे दिन लॉ थोड़ी ना होता है, खेती का कोई समय नहीं होता, पानी लगना है रात को भी लगता है, सुबह को लॉ करने से पहले भी लगता है, ठीक है, और लॉ के आने के बाद भी लगता है, ऐसा नहीं आप पूरे दिन में कॉलेज में बैठा हुआ हूँ। अच्छा देश के स्टूडेंट्स जो है नौजवान स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं और जो आगे एडमिशन्स लेंगे या जो पढ़ के आगे निकल चुके हैं, वो भी आप उनके लिए कुछ मैसेज संदेश? पूरा उनसे मैसेज है कि आप सवाल करना सीखो, आप ट्विटर पे ही केवल सवाल ना पूछो, इन लोगों से व्यक्तिगत रूप से भी, वोट डालने आए साल में पाँच साल में एक बार मौका मिलेगा, इनसे सवाल पूछो, जब ये पूछने आए कि कहाँ थे जब SSC CGL का पेपर आउट हो रहा था, आप कहाँ थे, SSC CGL की वैकेंसी कम निकाली थी आप कहाँ थे, इंटरव्यू लेट किया क्यों था, ग्रुप डी रेलवे की जब भर्तियाँ निकली थी 2-2 साल में आपने इसका रिजल्ट क्लियर किया, कहाँ थे, सवाल पूछे ना इनसे, जो भी युवा है वो अपनी नौकरी के लिए, वो किसी के लिए ना पूछे, ना वो किसान किसी का मत पूछो, कम से कम अपने लिए तो पूछ लो कि पिछले 7 साल में 14 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, कितनी नौकरियाँ दी स्टेट गवर्नमेंट ने, कितनी नौकरियाँ दी बैंक IBPS जो जॉब निकालता है वो कितनी वैकेंसी घटाकर आज क्या कहाँ पहुँचा दी, मतलब आप ये लगाइए कि पहले बैंक के थी बहुत सारी जो मर्ज होती चली गई, बैंक की नौकरियाँ घटती चली गई, तो इनसे पूछे तो सवाल कि किस तरीके से घटे, SSC CGL की वैकेंसी आप
अपने लोकसभा स्पीकर की बेटी को डायरेक्ट आईएएस बना रहे हो, डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हो, औरों का आप आगे तैयारी कर, मैं तो ब्यूरोक्रेसी पे भी कब्जा करना चाह रहे हो। स्टूडेंट सवाल पूछे ना, मीडिया के द्वारा पूछे या सीधे पूछे, जब चुनाव लड़ना है तब इनसे पूछे, आज लिख कर रख ले। युवा जब तक सवाल नहीं करेगा ये दिक्कत बनी रहेगी। युवा एक दूसरे से सवाल कर रहा है, कोई अंधभक्ति में कर रहा है, कोई दूसरे तरीके से कर रहा है, कोई पक्ष में कर रहा है, कोई विपक्ष में। तो आपस में लड़ने की बजाय, आपस में सवाल करने की बजाय किन्हीं मुद्दों पर वो सरकार से सवाल करो, क्योंकि आप सवाल सरकार से करोगे, चिकित्सा शिक्षा रोजगार वो सरकार दे रही है, मैं तो नहीं दे रहा इसको, ये मुझसे लड़ रहा है किसी मुद्दे को लेकर, तो वो गलत है। या मैं इससे लड़ रहा हूँ या मैं आपसे लड़ रहा हूँ, ये सीधे सरकार से सवाल पूछे। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछे, जब वो आए, जब हम वो आता तो हम उसे काजू बादाम खिलाने लगते हैं, पीछे उसको गाली देते हैं, तो सामने पूछो, गाली मत दो, उससे पूछो कि बता कहाँ था अब तक, क्या क्या किया तुमने हमारे लिए, शिक्षा के लिए क्या किया, जब लॉकडाउन में कहीं से कमाई का जरिया नहीं था तो हमारे बच्चों से पूरी पूरी फीस मांग रहे थे, किस चीज़ की। ये तो सवाल नॉर्मल सा है कि इस समय बिल्डिंग चार्ज नहीं लग रहा, लाइट नहीं फूक रही तुम्हारी, टीचर घर पे तुम आदि 70-70% सैलरियाँ काटी, बच्चों से फीस पूरी ली, सवाल किया टीचर ने, इसलिए नहीं किया मेरी नौकरी चली जाएगी, इतनी हिम्मत नहीं है। जब आप ये लगाओ कि ये करोड़ों किसान सड़क पर बैठा है इसकी नहीं सुन रहे, तो अगर 2-3 आदमी अगर आवाज़ उठाएंगे भी तो उनकी कौन सुन रहा है। और ये जो क्या कहते हैं ना, जो क्या कहते हैं इसको, प्राइवेट करने की तैयारी है या जो भी ये कॉमर्शियल बना हुआ है, तो ये कल को कब्जा इस तरीके से कर लेगा कि अपनी मनमानी चलेगी। जब बैंक प्राइवेट होगी तो अपनी मनमर्जी चलाएगा, स्कूल प्राइवेट है वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी चीज़ की मांग उठाओ कि साहब एग्जामिनेशन फीस से लेगा किसी भी चीज़ की, आपको रस्टिगेट कर दिया जाता है या आपको डिफेम कर दिया जाता है या आपको निकाल दिया जाता है। लेकिन सरकारी में ऐसा नहीं कर सकता, आपको जवाब देना होगा। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे युवाओं से कि वो सवाल करें और जरूर करें। धन्यवाद। आपने सुना स्टूडेंट्स की आवाज़ की, युवाओं को ये कहते हुए कि युवा आज जाग जाओ और सवाल करो सरकार से, जब वो आएंगे आपके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। थैंक यू।